गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम थर्ड चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेकंड टॉपिक, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस या व्रषण की संरचना। व्रषण की संरचना अगर हम देखें तो व्रषण जो होते हैं वो मुख्य नर जनन अंग होते हैं या नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होते हैं। जो व्रषण होते हैं, व्रषण कोष के अंदर उपस्थित होते हैं और ये टांगों के बीच में, दोनों टांगों के बीच में उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या जो होती है दो होती है, मतलब एक जोड़ी इनकी उपस्थिति होती है। अगर हम देखें तो एक व्रषण की, एक प्रारूपिक व्रषण की अगर हम इस संरचना देखते हैं, ये बाह्य संरचना है। आज हम पहले बाह्य संरचना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। बाह्य संरचना जब हम देखते हैं व्रषण की, तो ये गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं और संख्या में दो होते हैं, जो कि बाहर से एक आवरण द्वारा घिरे होते हैं, जिसको कि व्रषण कोष बोला जाता है। ये व्रषण कोष के अंदर ही बंद होते हैं। व्रषण कोष की जो पेशियां होती है वो अरेखित पेशियां होती हैं। अरेखित पेशी मतलब कि जो अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक का मतलब ये होता है जिससे कि इच्छाओं का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो इसको बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये एक स्तर होती है जो आपको दिख रही होगी, जो शरीर के अधर भाग में स्थित होती है। अधर मतलब कि एब्डोमिन भाग में उपस्थित होती है। जब हम इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो आंतरिक संरचना में जो आवरण होता है उसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ट्यूनिका एल्बुजीनिया जो होती है ये भी एक संरचना होती है, एक स्तर होती है, ये जो कि जिसके अंदर की व्रषण कोष बंद होते हैं। व्रषण कोष के अंदर हम देखें तो छोटे छोटे खंड या एक तरह से देखा जाए सेप्टम उपस्थित होते हैं, जिसे सेप्टुला टेस्टिस बोला जाता है, जो कि टेस्टिस को अंदर की तरफ से अलग अलग भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग के अंदर नलिका आपको दिख रही होगी, ये नलिका के समान संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को बोला जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं वो मुख्य संरचनाएं होती हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पर्म का या शुक्राणु का निर्माण होता है। ये बीच में आपको दिख रहे होंगे लोब्स, जिसे रेट टेस्टिस बोला जाता है। ये टेस्टिस की मुख्य संरचना है, जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, है ना। सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल के अंदर तो बन रहे हैं, पर सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल के अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जो कि हम आंतरिक तौर पर पढ़ेंगे। अभी हम बाहर की संरचना पढ़ रहे हैं, जिससे नलिकाएं निकली होती है। नलिकाएं आपको दिख रही है, जिसे डक्टक एपिडिडाइमिस बोला जाता है। एपिडिडाइमिस जो होती है वासा एफ्रेंशिया से जुड़ी होती है। वासा एफ्रेंशिया का मतलब ये होता है जो रक्त की आपूर्ति करती है, क्योंकि टेस्टिस भी शरीर का एक हिस्सा है, तो उसे भी रक्त चाहिए होता है। तो रक्त की आपूर्ति जो होती है वासा एफ्रेंशिया के थ्रू होती है। जो एपिडिडाइमिस होती है, एपिडिडाइमिस का काम होता है जो व्रषण कोष के अंदर या व्रषण के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं या स्पर्म बनते हैं, उनका कलेक्शन करना और कहाँ तक लाना, उनको लाना व्रषण के अंदर तक, या सॉरी व्रषण से बाहर लेकर आना, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसकी बाहरी संरचना होती है। बाहरी संरचना के बाद अगर हम देखें तो जितनी ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है, जिसे वासा एफ्रेंशिया या वासा इसे जिसे हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, हाँ, जिसे कि हम जैसे जर्मिनल एपिथीलियम, शुक्रजनन जो नलिका होती है तो वो जर्मिनल एपिथीलियम से बंद होती है, जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर वो बंद होती है, तो वो हम इसकी आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर और भी संरचनाएं होती हैं। अगर हम एक प्रारूपिक टेस्टिस की संरचना अगर हम पढ़ते हैं, तो टेस्टिस में शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। एक प्रारूपिक टेस्टिस में जो होती है, इन्हीं नलिकाओं में शुक्रजनन नलिकाएं या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इनमें शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। ये शुक्रजनन नलिकाएं जो होती है शुक्राणुओं का कलेक्शन करती है, मतलब शुक्राणु इसी के अंदर बंद होते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के अतिरिक्त इसमें पिंडक भी उपस्थित होते हैं, रक्त केशिकाएं उपस्थित होती हैं, तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाई जाती है, मतलब अंतराली कोशिकाएं भी पाई जाती है। इन्हें जो अंतराली कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती है उसे लीडिंग सेल कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो लीडिंग सेल होती है वो किस हार्मोन का स्त्राव करती है, या इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मतलब कि नर हार्मोन जो होता है उसका स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है। तो जो नर हार्मोन है, जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसका स्त्राव जो है वो लीडिंग सेल के द्वारा किया जाता है।
अगर हम इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो आंतरिक संरचना में अगर हम आंतरिक संरचना जो होती है तो उसमें बहुत सारे लोब्स पाए जाते हैं। इन लोब्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। आपको थोड़ा सा इंग्लिश में इसको याद करना पड़ेगा। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी टेस्टिस की टीएस मतलब कि उसकी आंतरिक संरचना को जब हम देखते हैं तो आंतरिक संरचना में गोलाकार या अंडाकार संरचनाएँ होती है जिसे सेमिनिफेरस टिब्यूल बोलते हैं। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं एक उपकला से या एक ये जर्मिनल एपिथीलियम से घिरे होते हैं। ये जर्मिनल एपिथीलियम जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि संयोजी ऊतक की बनी होती है पर टिकी होती है। उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, शुक्राणु निर्माण करने वाली शुक्रजनन कोशिकाएं जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा उनको सहारा देने वाली सर्टोली कोशिकाएं। तो ये या आपको याद करना पड़ेगा कि जो टेस्टिस होती है उसके अंदर जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है उस पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी सर्टोली सेल्स होती हैं। ये मैं आपको चित्र में बताऊंगी, ये दिख रही होगी आपको, ये यहाँ पर ही ये सर्टोली सेल्स होती है ना, और ये स्पर्मेटोगोनिया होती है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है उसका काम होता है एक तो इसको बंद करना। तो एक्चुअली जो संरचना होती है टेस्टिस की आंतरिक संरचना वो यहीं से शुरू होती है कि जो प्रत्येक लोब होते हैं, चूँकि अगर हम किसी टेस्टिस की आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसमें 200 से 250 लोब्स उपस्थित होते हैं। वो जो लोब्स होते हैं वो जर्मिनल एपिथीलियम के बने होते हैं जिसे जननी उपकला कहते हैं, और ये जो उपकला होती है ये संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? संयोजी ऊतक का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है इनको जोड़े रखने का, जो लोब्स होते हैं उनको जोड़ने का। वो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसे स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स कहते हैं। तो ये दिख रही है आपको सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो शुक्रजनन कोशिकाएं होती है, शुक्रजनन कोशिकाएं कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया। उनका निर्माण होता है स्पर्म का निर्माण करना, मतलब कि इनमें ये जो दिख रही है आपको ये वाली जो सेल्स होती हैं ये सभी सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया बार बार विभाजित होती है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप या लास्ट में किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली सेल्स जो होती है, सर्टोली सेल्स का काम होता है इन जो शुक्राणु जो बन रहे हैं इन शुक्राणु कोशिकाओं को ये क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। तो जो शुक्रजनन जो कोशिकाएं होती है, शुक्रजनन कोशिकाओं में विभाजन होता है, तो विभाजन के कारण पहले प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती है, फिर द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनती है, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप में जो जर्मिनल एपिथीलियम है वो विभाजित होगी तो स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया फिर विभाजित होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और यही स्पर्मेटिड्स जो होते हैं लास्ट में किस में बदल जाते हैं? स्पर्म्स में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये संरचना दिखाऊंगी मैं, ये संरचना आपको दिख रही होगी कि जब हम स्पर्म की एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर अगर हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पहले हमने आउटर देखी है अब हम इनर देख रहे हैं। जब इनर संरचनाएँ देखते हैं तो ये इस तरह से लोब्स दिखते हैं। ये जो लोब्स होते हैं इसके आसपास जो एपिथीलियम होती है इसको जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं। तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहलाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं क्योंकि संयोजी ऊतक कहलाते हैं। जब हम इनकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो आंतरिक संरचना में ये जो कोशिकाएँ होती हैं इनको प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर इनसे बनते स्पर्मेटिड, और ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये सब स्पर्म हैं जिसको बोल रहे हैं मैच्योर स्पर्म, है ना, या शुक्राणु होते हैं। तो ये इस तरह से विभाजित होती जाती और बीच में स्पर्म का निर्माण हो जाता है। ये आपको दिख रही होगी सर्टोली सेल है, इनके साथ साथ में सर्टोली सेल्स भी होती हैं जो इनको पोषण प्रदान करती है, और बीच में यंग स्पर्म्स होते हैं, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या? जो ये कोशिकाएं हैं
जिसको कि हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। तो इनसे स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, तो अगर देखा जाए तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहते हैं। तो शुक्राणु को सहारा देने वाली जो सेल्स होती हैं उसको सर्टोली सेल्स बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं, उनका काम होता है पोषण देना। तो जो पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं इन कटाओं में धंसकर शुक्राणुओं में बदल जाती हैं। इनके बीच में क्या होता है, कटाव होते हैं, ये कटाव दिख रहे होंगे आपको अलग अलग, है ना। तो इनमें कटाओं में धंसकर ही ये शुक्राणुओं में बदल जाते हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को अवलंबन के अतिरिक्त सुरक्षा और पोषण भी प्रदान करती है। तो सर्टोली सेल का पूछते हैं कभी कभी कि जो शुक्राणु के आसपास जो सर्टोली सेल्स उपस्थित होती है उनका क्या काम होता है, तो उनका काम होता है पोषण प्रदान करना। तो अब इनसे कौन जुड़ी होती है, यह हम बात कर रहे हैं टेस्टिस के अंदर की, पर टेस्टिस के बाहर इनसे क्या जुड़ी होती है, शुक्रजनन नलिकाएं जुड़ी होती है। तो ये वृषण की तरफ पास से पश्च भाग की तरफ, ये दिख रहा होगा आपको, ये शुक्रजनन नलिकाएं जुड़ी होती है जो ये पीछे की भाग से जाती है, तो तरफ बढ़ के और पश्च भाग की तरफ क्रमशः कुंडलित होकर अंत में सीधी हो जाती है। अब ये छोटे छोटे नलिकाओं के घने जाल में खुल जाती है, जाल को वृषण जालक कहते हैं, जिसे रेटे टेस्टिस बोलते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये जाल दिख रहा होगा पूरा नेट लाइक, अंदर से आकर ये पूरा जाल बनाती है, तो इसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस या वृषण जालक। वृषण जालक से अनेक अपवाही नलिकाएँ निकलती है जिसे वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। ये वासा एफ्रेंशिया कहाँ खुलती है, एक लंबी नलिका में खुलती है जिसको कि डक्टस इपिडिडाइमिस कहते हैं। ये आपको संरचना में दिख रही होगी, डक्टस इपिडिडाइमिस मतलब कि इनसे जो नलिकाएं निकल रही है उसको वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। वासा एफ्रेंशिया कलेक्ट होकर एक मोटी नलिका बनाती है जिसे डक्टस इपिडिडाइमिस कहते हैं। डक्टस इपिडिडाइमिस जो है ये स्तंभी कोशिकाओं की बनी होती है। स्तंभ का मतलब होता है कॉलमनार सेल्स। 11th में आपने ये पढ़ा होगा कि जो अगर देखा जाए तो जो हमारी त्वचा होती है या किसी की भी जो स्किन होती है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये कोशिकाओं के साइज शेप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट आता है एपिडिडाइमिस। टेस्टिस की स्ट्रक्चर तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, इसके बाद आते हैं एपिडिडाइमिस। तो जो टेस्टिस होते हैं तो टेस्टिस के पीछे की भाग पर लगभग 6 मीटर लंबी एक नलिका होती है जिसे कि एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस क्या करती है, ये एपिडिडाइमिस नलिका जो है आगे जाकर अपवाही नलिकाओं के माध्यम से एक जाल जो होती है उससे क्या करती, इसका एक्चुअली काम होता है कि जितने भी शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस के अंदर हो रहा है उसको कलेक्ट कर लेना है, है ना, पूरा कलेक्शन करना है। और कलेक्शन के बाद वो किसको दे देती है, वो दे देती है पेनिस को। तो यहाँ पर अस्थायी रूप से शुक्राणुओं का संग्रहण होता है, मतलब कि वहाँ पर जो शुक्राणु बनते हैं वो बार बार कहाँ चले जाते हैं, पेनिस के अंदर। कहाँ जाते हैं, वासा डिफरेंशिया के अंदर। अब वासा डिफरेंशिया मतलब शुक्रवाहिनियाँ क्या होती है, प्रत्येक जो टेस्टिस होते हैं एपिडिडाइमिस नलिका कार्डा एपिडिडाइमिस भाग में पहुँचकर कम कुंडलित हो जाती है और अंत में लगभग सीधी होकर शुक्रवाहिनी बनाती है। तो इसके पहले हमने पढ़ा है कि जो टेस्टिस होती है तो टेस्टिस के ऊपर जो नलिका है वासा एफ्रेंशिया निकलती, वासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस बनाती और एपिडिडाइमिस फिर क्या बनाती, वासा डिफरेंशिया बनाती है। तो वासा डिफरेंशिया जो है वो लंबी नलिका होती, कुंडलित नहीं होती है। ये लगभग कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो ऊपर की ओर कहाँ जाती है, इंग्विनल कोनाल कैनाल की पर होती हुई श्रोणिक गुहा या मूत्राशय के पास में निकलती है। तो यहाँ पर स्खलन नलिका होती है। स्खलन नलिका मतलब कि जो शुक्राणुओं को स्खलित करती है, बाहर रिलीज करती है। तो यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, यहाँ पर मूत्र मार्ग भी होता है, ये तीनों मार्ग ही होते हैं। ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर ये तीन मार्ग होते हैं, है ना, तीनों मार्ग कॉमन रहते हैं। तो यहाँ सर यूरिनरी ब्लैडर होता है जिससे यूरिन रिलीज होता है, और ये इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और ये ओरिफिस ऑफ एजेकुलेटरी
डक्ट होती है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, और ये होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो मेन भाग होता है, तो इसी भाग में ये तीनों, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी जुड़ी होती है, यूरिनरी ब्लैडर भी जुड़ा होता है, और दूसरा स्पर्म ग्लैंड भी जुड़ी होती है। तो स्पर्म का सिक्रेशन भी इसी के थ्रू होता है। फिर आता है यूरेथ्रा, जिसको कि हम मूत्र मार्ग कहते हैं। तो मूत्र मार्ग भी जो होती है वो 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका संरचना होती है, जो मूत्र छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है, जिसके भी तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है, मतलब कि जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड बाहर की ओर खुलती है। फिर होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये भी उसी के भाग में उपस्थित होती है, जिस पर कॉपर्स ग्लैंड पाई जाती है। तो ये पूछते हैं कि कॉपर्स ग्लैंड कहाँ होती है, तो ये पता होना चाहिए कि कॉपर्स ग्लैंड जो होती है वो कलामय मेम्ब्रेनस मूत्र मार्ग मतलब यूरेथ्रा के पास स्थित होती है। और तीसरा होता है पेनिलर यूरेथ्रा, जो कि अंतिम भाग होता है, जो लंबा बेलनाकार भाग होता है। और फिर आता है पेनिस, ये वाला जो भाग होता है इसी को पेनिस बोला जाता है। फिर आती है सहायक ग्रंथियां, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं। एसेसरी सेक्स ग्लैंड मतलब कि अगर देखा जाए तो जो शुक्राशय जो होता है, सेमिनल वेसिकल्स जो होता है, ये सेमिनल वेसिकल्स फर्स्ट सेक्स ग्लैंड या एसेसरी सहायक जनन ग्रंथियां होती है, जो मूत्राशय के पश्च सतह तथा मलाशय के मध्य उपस्थित होती है। प्रत्येक शुक्राशय लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, तथा इसे श्लेष्मिक उपकला गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये भी पूछते हैं कभी कभी कि गोबलेट सेल कहाँ होती है, ये होती है सेमिनल वेसिकल्स के पास में। शुक्राशय जो होता है वो जनरली एक पीला लसलसा क्षारीय तरल स्रावित होता है, जो स्खलन के समय शुक्राणुओं को शुक्राशय को संकुचित होने पर मुक्त होकर वीर्य के अधिकांश भाग बनाता है। तो जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के साथ एक लिक्विड और रिलीज होता है, जिसको कि सेमिनल वेसिकल या सेमिनल फ्लूड भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे फ्रुक्टोज होता है, प्रोटोस्लैगडिंग्स होती हैं, सेमिनोजेलिन होती है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये एक तरह का द्रव होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, यह मूत्राशय के आधार भाग के चारों ओर स्थित एक शंक्वाकार दृढ़ आंशिक रूप से ग्रंथिले व आंशिक रूप से तंतुमय संरचना होती है, जो अनेक पिंडों में बटी होती है, और प्रत्येक पिंड जो होता है पृथक नलिका के द्वारा के माध्यम से मूत्राशय में खुलता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी मैंने बता दी थी आपको कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी उपस्थित होती है, जिससे कम्बली द्रव स्त्रावित होता है, जिसमें सिट्रेट फास्फेट आदि हाइलुरोनिडेज एंजाइम लाइसोजाइम ये सभी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जिसका काम होता है कि जो शुक्राणु होते हैं उनको सक्रिय बनाना, और 40 से 50 वर्ष की आयु प्रोस्टेट जो होती है उसकी अतिवृद्धि से आकार बढ़ जाता है, जिससे कि यूरिन का सिक्रीशन करने में दिक्कत होती है। तो कभी कभी इसको सीजर या ऑपरेशन के थ्रू भी निकलवा दिया जाता है। और एक और जो ग्रंथि होती है उसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। तो टोटल 3 प्रकार की ग्रंथियां इसमें उपस्थित होती हैं, जिन्हें सहायक ग्रंथियां, सेक्स ग्रंथियां भी बोला जाता है। तो प्रोस्टेट के ही ठीक नीचे जो ग्लैंड्स होती हैं उसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, इसे कॉपर्स ग्लैंड्स भी बोला जाता है। इसमें से भी द्रव स्त्रावित होता है, जो अगर देखा जाए तो कॉपुलेशन के समय जो होता है वो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। तो ये इस तरह से देखा जाए तो जो ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां जो होती है वो शुक्राणुओं को की लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए उनकी और उन्हें यहाँ पोषण प्रदान करने के लिए, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने में भी मदद करती है। अब जिस द्रव का स्त्राव होता है ना, टेस्टिस द्वारा जो शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु को कॉम्बाइंड रूप से कहा जाता है सेमेन या वीर्य। तो ये एक द्रव होता है जिस जो कि कहाँ बनता है, ये द्रव जो होता है स्पर्म जो बनते हैं, तो स्पर्म्स में जो ये द्रव होता है
वो कहाँ मिक्स होता है? वो मिक्स होता है जनन ग्रंथियों के द्वारा या सेक्स ग्लैंड्स के द्वारा ये मिक्स होता है, और जो कंप्लीट जो लिक्विड ये बनता है उसे बोला जाता है वीर्य, है ना। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। आज हमने नर जनन तंत्र पढ़ा है। नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, अब इसमें जो मुख्य संरचना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी मेन जो संरचना है वो ये है, आपको एग्ज़ाम के हिसाब से इसी की तैयारी करनी है। इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि जब हम किसी नर जनन तंत्र की बात करते हैं तो नर जनन तंत्र में टेस्टिस मुख्य होती है। तो टेस्टिस की आंतरिक संरचना में हमको ये संरचनाएँ दिखाई देती है, जिसमें सर्टोली सेल है, यंग स्पर्म से स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें होता है, क्योंकि स्पर्म जो बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं जिनकी संख्या लगभग 250 तक होती है, है ना। टेस्टिस के अंदर मैच्योर स्पर्म होते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और विभाजन के स्वरूप क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, और इनको ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं या ब्लड सेल्स पाई जाती है, जो मैच्योर होते हुए या परिपक्व होने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है या रक्त प्रदान करती है ना। थैंक यू।